दोस्तों बतौर क्रिकेट फैन हमने जब से होश संभाला है तब से सिर्फ एक कमी इंडियन टीम की ऐसी दिखी जो कभी खत्म ही नहीं हुई। एक ऑलराउंडर जो कि बैट के साथ साथ पेस से भी कमाल करता, जेपी यादव, जोगिंदर शर्मा, इरफान पठान, स्टुअर्ट बेनी, ये वो नाम है जिन्हें हमारी आंखों के सामने ऑलराउंडर के तौर पर ट्रीट किया गया, लेकिन रिजल्ट बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा। जबकि इन सब के बाद चमत्कार की तरह आए हार्दिक ने एकदम से फैंस के सारे गम मिटाते हुए जिम्मेदारियों का बोझ उठाया। हाई बैट लिफ्ट, तगड़ी बैट स्पीड, सदी हुई लाइन लेंथ और शानदार फील्डिंग, उनका कैंप रीजन कपिल देव से लेकर बेन स्टोक्स तक हुए हर ऑलराउंडर से होने लगा। हार्दिक पीक पर थे लेकिन इंजरी, एटीट्यूड और फैमिली के बाद नेगेटिव लाइमलाइट में आए हार्दिक जब टीम से दूर थे तब उनकी गैर मौजूदगी में किसे खिलाया जाए, ये सवाल बहुत बड़ा था। क्योंकि हार्दिक जैसे ऑलराउंडर कोई रोज रोज पैदा नहीं होते, इसलिए ऐसे प्लेयर की रिप्लेसमेंट ढूंढना बच्चों का खेल नहीं है। यही वजह है कि इंडियन सिलेक्टर्स ने हार्दिक के साथियों के तौर पर शिवम दुबे और वेंकटेश अय्यर को ट्राई किया, मगर पुराने ऑलराउंडर्स की तरह इन दोनों के केस में भी बॉलिंग में हालात ढीले थे। ये बैटर अच्छे साबित हुए मगर हार्दिक जैसे रिलायबल बॉलर नहीं थे, इसलिए जैसे ही हार्दिक फिट हुए वो सीधे टीम इंडिया में आ गए। साफ साफ कहें तो पेस ऑलराउंडर मिलना अभी तक मुश्किल लग रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, हमने कहा मुश्किल लग रहा था क्योंकि कल के मैच में नीतीश की परफॉर्मेंस देख करके उम्मीद बधी है कि अब इंडिया में एक नहीं दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पेस ऑलराउंडर तैयार है। कल के मैच की समरी देखने पर हाईलाइट आएगी कि इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 221 रन बनाए और उसके बाद बांग्लादेश को 135 पर ऑल आउट करते हुए 86 रनों की बड़ी हार थमा दी, जिसमें अर्श, सुंदर, अभिषेक, मयंक और रियान ने एक एक विकेट ली, जबकि वरुण ने सिर्फ 19 रन देकर के दो विकेट ली और नीतीश ने 23 रन देकर के दो विकेट ली। इन दोनों ने 6 के अंदर की कॉमनी से उस ग्राउंड में रन दिए जिस ग्राउंड पर सबकी धुलाई हो रही थी। समरी से लगेगा कि दूसरी इनिंग में पिच स्लो हो गई, इसलिए बांग्लादेश रन नहीं बना पाए, मगर असलियत ऐसी नहीं है। पिच का असमान उछाल पहली पारी में भी था। पहली पारी में भी बॉल के बाउंस पर जंप करके हिट करना टफ था क्योंकि इंडिया का टीम सिलेक्शन बताने के लिए काफी है कि अब यंग इंडिया ऑल आउट अटैक पर जाएगा, इसलिए पिच का मिजाज देखे बिना भी अभिषेक और सैमसन अटैक करने गए, मगर पहले ओवर में सिर्फ 15 रन ठोके और फिर एकदम से सैमसन, अभिषेक और स्काई का विकेट गिर गया। हालात ये थे कि इंडिया ने हिस्ट्री में पहली बार पावर प्ले के अंदर बांग्लादेश के सामने 3 विकेट गवा दिए, खास करके जिस बॉल पर सूर्य कुमार यादव आउट हुए थे उसने आने वाले प्लेयर्स के मन में डाउट पैदा करने का काम किया। यही वजह है कि मैच समरी कभी नहीं बताएगी 41-3 के स्कोर पर क्रीज पर रिंकू और नीतीश दोनों युवा खिलाड़ी थे। एक तो खुद को साबित करने का प्रेशर, उस पर अटैक करने की जिम्मेदारी, उन सब के ऊपर से पिच का बेढंगा मिजाज। मैच देखते वक्त लग रहा था कि आज कहीं अटैक के नाम पर पोल न खुल जाए, लेकिन जिस पॉजिटिव अंदाज में नीतीश ने बांग्लादेशी बॉलर्स को अप्रोच किया और हर लूज बॉल को सबक सिखाया, इसका नतीजा यह रहा कि रिंकू से भी प्रेशर हटा और फिर दोनों तरफ से रनों की गंगा बहने लगी। रिंकू ने 29 बॉल में 53, हार्दिक ने 19 में 32 और रियान ने 6 में 15 बनाकर इंडिया की गाड़ी को सरपट दौड़ाया, लेकिन जिस एक प्लेयर ने कल मनमोहित कर दिया वो थे नीतीश कुमार रेड्डी। सिर्फ 34 बॉल्स में 74 रन बनाने में नीतीश ने 4 चौके और 7 छक्के लगाए। हर शॉट पर क्लास और पावर का डेडली कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन जिसने हमें मजबूर कर दिया ये जानने के लिए कि आखिर नीतीश कुमार रेड्डी है कौन। आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट विशाखापट्टनम से आने वाले नीतीश कुमार रेड्डी का जन्म 26 मई 2003 में हुआ। नीतीश के केस में उनके पिता को क्रिकेट नीतीश से ज्यादा प्यारा था, इसलिए बर्थडे पर नीतीश के लिए बैट्स और बॉल्स आना आम बात थी। नीतीश शुरुआती स्तर पर क्लब क्रिकेट खेले और अपने टैलेंट को निखारा। नीतीश पिता के शौक को झेल रहे थे, लेकिन जैसे ही 2016 आया 13 साल के नीतीश ने पिता मुतालिया को अपने लिए अपनी सालों पुरानी नौकरी छोड़ते हुए देखा तो सब एहसास बदल गए। दरअसल हुआ ये कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में काम कर रहे मुतालिया रेड्डी को जयपुर में हायर पोस्ट पर शिफ्ट करने के लिए कंपनी ने प्रपोजल, लेकिन नीतीश की क्रिकेट का बेस आंध्रा में सेट हो चुका था, इसलिए पिता ने वो ऑफर ठुकरा दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि नीतीश के पिता को नौकरी छोड़नी पड़ी और बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ा। यो वक्त था जब नीतीश के रिश्तेदार उनके पिता पर तंज कस रहे थे और उन्हें सनकी बोल रहे थे, जबकि नीतीश के पिता को उन पर पूरा भरोसा था। यो दौर था जब क्रिकेट नीतीश का जुनून बन गया। उन्होंने सिलेक्शन ट्रायल पास करते हुए आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए क्वालिफाई किया और घर से 700 किलोमीटर दूर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग शुरू की। अपने स्कूल के साथ में क्रिकेट में भी नीतीश ने खूब हाथ आजमाए। अपने बेसिक्स पर काम करते हुए नीतीश ने पहले बैटिंग को सुधारा और जिस बॉलिंग को लेकर के लोग उन्हें थ्रोअर बोलते थे उसे भी एक हद तक सही किया। छोटी सी उम्र में की गई मेहनत का नतीजा यह रहा कि अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2017-18 में रनों का अंबार लगा दी। उस फेज में उन्होंने 1237 रन बनाए। कम उम्र में नीतीश का नाम बहुत तेजी से घरेलू क्रिकेट में चमका और उन्हें सडन बेसिस पर फास्ट ट्रैक करते हुए अंडर 19 लेवल पर पहुंचाया गया। नीतीश की कहानी का यह मोड़ आपको बड़ा सुहाना लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ 23 साल के नीतीश ने 18 से कम उम्र में एक बहुत बड़ा फेलियर फेस किया। दरअसल हुआ ये कि अंडर 16 की एक दौर की सफलता से अंडर 19 में प्रमोट हुए महानीतीश बुरी तरह से फ्लॉप रहे। हालात इतने खराब हो गए कि उन्होंने बॉलिंग छोड़ करके सिर्फ बैटिंग पर ध्यान देने का
मन बना लिया। मगर 2019-20 डोमेस्टिक सीजन में एसीए द्वारा सिलेक्ट हुए टॉप प्लेयर्स में उनका नाम आने से उन्हें हौसला मिला, वो हौसला जिसका क्रेडिट नीतीश हनुमा विहारी को देते हैं, क्योंकि नीतीश की माने तो उस मुश्किल वक्त में हनुमा ने ही उन्हें बैक किया, जिसका नतीजा यह रहा कि नीतीश ने रणजी में भी परफॉर्म किया और जिस बॉलिंग से दूर भाग रहे थे उस पर भी काम शुरू किया, क्योंकि वो बचपन से बॉलिंग कर रहे थे इसलिए पेस के लिए जरूरी मसल और बेसिक कला उनको आती थी। रणजी में इंक्लूजन से जो एक्सपोजर मिला उसने एक ऑलराउंडर के तौर पर खुद को निखारने का नीतीश को हौसला दिया। 2023 आईपीएल से पहले उन्होंने एसीए के एक सेशन में 18 यार्ड से 140 की स्पीड से बॉल फेंकने वाले थ्रोर्स को अरेंज करने के लिए कहा। इस सेशन के इंप्रेसिव खेल की वीडियो आगे भेजी और आईपीएल के दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि आईपीएल इतना आसान नहीं है, इसलिए नीतीश को खुद को साबित करते हुए 2024 आ गया। वो साल रहा जहाँ नीतीश ने कई नोटिसेबल नॉक्स खेले और एक ऑलराउंडर के तौर पर अपनी इंपॉर्टेंस साबित की। कल जब नीतीश ने इंटरनेशनल लेवल पर खुद को साबित किया और रन उगले, तब नीतीश को अपने पिता पर हंस रहे हर रिश्तेदार का चेहरा याद आ रहा था, जो कि अब उनके पिता पर गर्व करने वाले थे। तो दोस्तों, ये रही नीतीश की कहानी बहुत कम शब्दों में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नीतीश ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे, जिसके बाद हम एक और वीडियो नीतीश पर लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।